23 सितंबर को चुप ने अच्छी शुरुआत की और उत्कृष्ट समीक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस टिकट मूल्य निर्धारण ने आर बाल्की की फिल्म की मदद की। कई क्षेत्रों में टिकट 100 रूपए से कम है, इसलिए यह अच्छा कर रहा है। फिल्म खराब आलोचनाओं से एक कलाकार की पीड़ा को दर्शाती है। 28 सितंबर को चुप ने 9.65 करोड़ रुपए कमाए। यह जल्द ही 10 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। आर बाल्की की चुप लोकप्रिय है। क्रिटिक्स और दर्शकों ने फिल्म को खूब पसंद किया। दुलारे सलमान और सनी देओल की फिल्म ने 28 सितंबर को 0.70 करोड़ रुपए कमाए थे। अब तक 9.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया जा चुका है। 28 सितंबर को चुप में 10.8% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी। दुलारे सलमान, सनी देओल, श्रेया धनवंतरी और पूजा भट्ट चुप में अभिनय करती हैं। आर बाल्की ने चुप को नियंत्रित किया। चुप 2022 में खत्म होने वाला है। पेन स्टूडियोज के डॉक्टर जयंतीलाल गड़ा पेन मरुधर का निर्माण और वितरण करते हैं। क्रू में विशाल सिन्हा, अमित त्रिवेदी, स्नेहा खानविलकर और अमन पंत हैं। फिल्म निर्माता प्रणब कपाड़िया और अनिरुद्ध शर्मा।